सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बचे हुए कपड़े में से कुर्ती का बहुत सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, हम जैसे सूट सिलवाते हैं तो उसमें से कपड़ा बच जाता है जो कि हम वेस्ट समझ के बुटीक में ही छोड़ देते हैं या उसको यूजफुल नहीं समझते। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा साइड का कपड़ा बचता है और वो अगर आपने अच्छा सूट लिया हो तो आपका छोटा पीस भी बहुत काम आ सकता है। तो इस वीडियो में आप देखोगे किस तरीके से हम यहाँ पे बचे हुए कपड़े को यूज कर सकते हैं और वो भी बहुत सुंदर कुर्ती बनाते हुए। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये कपड़ा कैसे बचता है और किस एंगल में हमने यहाँ पे ये कटिंग किया हुआ है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जैसे ये शोल्डर हो गया है, यहाँ पे ये आर्महोल की कटिंग हो गई और ये हमारी साइड की कटिंग हो गई। तो यहाँ से ये पूरा फ्रंट यहाँ पे निकला हुआ है, एक तरीके से ये पूरा फ्रंट यहाँ पे निकला हुआ है जो कि कमीज एक यहाँ पे पहले से बनी हुई है। उसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बचता है। इस कपड़े को हम वेस्ट ना समझें, इसको यूजफुल समझें और किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन तैयार करें ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारी दो फ्रंट की और दो बैक की चार पल्ले हो जाते हैं, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि अगर हम फ्रंट बैक निकालते हैं तो साइड में से जो कपड़ा बचेगा चार पल्लों के हिसाब से बचेगा, चार पट्टियां यहाँ पे बचेंगी। और यहाँ पे ऊपर की साइड से हल्का थोड़ा ज्यादा है कपड़ा। 2.5 मीटर कपड़े में से हम एक कुर्ती और तैयार कर सकते हैं अगर साइज नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको दिखाया है कपड़ा बचा हुआ। अब आ जाते हैं कि इसके साथ में हमें क्या लेना है। इसके साथ में हमें मैचिंग करते हुए एक गोल्डन कलर का ही, यहाँ पे जैसे गोल्डन प्रिंट है तो हमने गोल्डन कलर का ही 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है जो कि हम यहाँ पे डिजाइनिंग में यूज करेंगे। सिर्फ आपने परचेजिंग करनी है 1 मीटर की और फैंसी कुर्ती तैयार करेंगे हम बचे हुए कपड़े के साथ में। तो दोस्तों जैसे हमें फैंसी कुर्ती तैयार करनी होती है तो हमने यहाँ पे पहले से ही बॉटनेक के हिसाब से यहाँ पे कुर्ती की अस्तर वाली कटिंग की हुई है। यहाँ पे मैं आपको साइज बता दूं, जो ब्रेस्ट का नाप है हमारा 20 इंच का होगा, वेस्ट होगी हमारी 17 और हिप होगी हमारी 21। इस हिसाब से हमने इस नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रंट बैक की कटिंग की हुई है। ऊपर की साइड हमने यहाँ पे बॉटनेक बनाना है तो बॉटनेक के हमने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे हम कपड़े को यूज कर पाए। जो सबसे पहले हमें देखना होता है हमें लेंथ कितनी चाहिए। तो जो हमें लेंथ है हमारी यहाँ पे 43 है और हमें यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे सेंटर में हमें गोल्डन पीस डालना है इस प्रकार से। ये हमारा यहाँ पे सेंटर में गोल्डन कलर का पीस आएगा, ये वाला जो कि यहाँ पे आएगा। और साइड की जो ये पट्टियां हैं ये हम कलियों में यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये चार कली आ जाएंगी, दो फ्रंट की और दो बैक की। तो यहाँ पे हमें 43 के हिसाब से ये कपड़ा लेना है और जिसकी चौड़ाई जो हमने बॉटनेक रखना होता है जैसे 8.5 से 9 इंच रखना होता है तो यहाँ पे हम इसकी जो चौड़ाई रखेंगे 10 इंच की रखेंगे और लेंथ रखेंगे 44। तो यहाँ पे 10 इंच के हिसाब से हम कपड़ा निकाल लेते हैं, 10-10 इंच की दो पट्टियां। एक पट्टी ये हो गई हमारी और एक पट्टी ये वाली हो गई। कपड़ा आपने देख के फाड़ना है, जैसे मैंने ये फाड़ दिया है कपड़ा। हर कपड़ा फटता नहीं है, आपने चेक करना होता है कि ये कपड़ा फटने वाला है या कटिंग करने वाला। तो सीधा रहे कपड़ा इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फाड़ते हुए सीधा किया हुआ है। इस तरीके से दो पट्टी बना ली है। अब जो लेंथ देखते हैं यहाँ इन पट्टियों की कितनी आती है। यहाँ पे जो लेंथ है हमारी 45 है एक पट्टी की, हमें चाहिए 43। तो 45 ठीक है, ऊपर नीचे का मार्जिन भी चाहिए होगा तो 43 के हिसाब से हमारा यहाँ पे कंप्लीट आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है इसको भी सेट करना है इसी एंगल में। इस तरीके से यहाँ पे चारों पल्ले इस प्रकार से, चारों पल्लियों को ऐसे हम रखते हैं और यहाँ पे मिलाते हुए बिछा लेते हैं इस प्रकार ऐसे।
बिल्कुल सफाई के साथ आपने यहाँ पे इस प्रकार से बिछानी है। चारों कलियां दोस्तों हमने यहाँ पे बिल्कुल सीधी करते हुए बिछा ली हैं, और जो हमने 9 इंच का पीस कटिंग किया था उसको हम इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक एक इंच का इस प्रकार से निशान लगाते हैं। एक इंच का ये जो गैप होना चाहिए हमारा, एक इंच का होना चाहिए, और यहाँ पे इस प्रकार से जो हमने 9 इंच का पीस कटिंग किया है उसको ऐसे मिलाते हुए ऊपर की साइड चढ़ाते हुए इस तरीके से रखते हैं। ऐसे निशानों के ऊपर आना चाहिए हमारा यहाँ पे इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड फ्रंट और बैक, फ्रंट फ्रंट रख ले चाहे फ्रंट बैक आप इकट्ठा रख ले इस तरीके से, जो हमने अस्तर की कटिंग की हुई है यहाँ पे ऐसे रखेंगे। कर रखते हुए यहाँ पे अब हम कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे चारों कलियां अपनी कटिंग कर ली है। अस्तर हम उठा के देखते हैं तो इस प्रकार की यहाँ पे ये शेप आएगी हमारी ऐसी। अब हम इन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद प्रेस से अच्छे से सेट करते हुए फिर से दोबारा से कटिंग करेंगे। जो आगे का कपड़ा बचा हुआ है हमारे पास उसमें से हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पे। सबसे पहले एक ऊपर की साइड निशान लगाएंगे, फिर एक नीचे की साइड लगाएंगे तकरीबन 4.25 इंच के ऊपर, और यहाँ पे जितना हमने आर्मोर रखना है जैसे 8.5 इंच रखना है तो 8.5 इंच पे निशान लगाते हैं, और बाजू की जो लेंथ रखनी है हमें 16 इंच रखनी है तो 16 इंच पे निशान लगाते हैं। नीचे की साइड फोल्ड के लिए निशान लगाते हैं। यहाँ पे 5 इंच की मोरी रखेंगे, आपको ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, और इस प्रकार से हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। जैसे नॉर्मल बाजू की कटिंग की जाती है इसी प्रकार से यहाँ पे कट कर लेते हैं। आगे की साइड इतना कपड़ा बच जाता है जिसमें से आपकी बाजू आराम से निकल आएंगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे बाजू भी काट ली है। इस प्रकार से अब हमें सबसे पहले जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ज्वाइंट करनी है कलिया, उसके बाद मैं प्रेस करते हुए आपको बताऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पे इसकी कटिंग करें दोबारा से। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे कलिया ज्वाइंट कर ली है। मैं आपको एक साइड का पीस बताऊंगा, ये बैक साइड है, तो हम बैक साइड वाला अस्तर रखते हुए यहाँ पे ऊपर की साइड दोबारा से फिनिशिंग से कटिंग करते हैं। ऐसे रखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे कहीं पे भी जो भी आपको फर्क लगता हो उसको आप अच्छे से सेट कर लें ऐसे बिछाते हुए। जैसे ऊपर की साइड हल्का फुल्का निकलता है तो इसको यहाँ पे इस तरीके से कट करें, और साइड भी साइड के आर्मोल में भी यहाँ पे भी हम फिनिशिंग से कटिंग कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि हल्का फुल्का हमारा ये वाला पीस निकलेगा तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे बैक साइड सेट की है इसी प्रकार हम फ्रंट को भी सेट करते हुए और अस्तर को अटैच कर लेते हैं जैसे नॉर्मल तरीके से अस्तर अटैच किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो साइडों में कली ज्वाइंट करते हुए और अस्तर यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में। बचे हुए कपड़े में से हम इतनी खूबसूरत सी कुर्ती यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ये आज मैंने आपको आइडिया दिया है। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल तरीके से बोट नेक तैयार करना है। बोट नेक के लिए हमने ये बुकरम ली हुई है। यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 9 इंच, और जो डीप लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 3.5 इंच, तो हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे,
और यहाँ पे इस प्रकार से सिंपल बोट नेक वाला निशान लगाते हैं और इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग करते हैं। आधा से पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए फिर से कटिंग करेंगे। अब हम इस बोट नेक को अपनी कुर्ती में यहाँ पे बना लेते हैं इस प्रकार से। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे गला अपना बोट नेक तैयार कर लिया है और यहाँ पे हमने ये तीन बटन लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना है बचे हुए कपड़े को हम किस तरीके से यूज कर सकें। सिर्फ हमने 1 मीटर कपड़ा परचेज किया है, 1 मीटर ही कपड़ा आपने खरीदना होता है सेंटर में ज्वाइंट डालने के लिए। साइड की कलियों वाला हमारा कोई भी डिजाइनर कपड़ा जो हम सिलवाते हैं उसमें से बचा हुआ होता है, उसके साथ में हम यहाँ पे डिजाइनर कुर्ती तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।